हेलो फ्रेंड, दिस इज डीएनके। और कैसे हैं आप लोग? आज की इस वीडियो में हम दुनिया की सबसे बेहतरीन गेम्स पबजी और फ्री फायर की कुछ अमेजिंग कंपैरिजन करेंगे। इन दोनों में पहले आया फ्री फायर। फ्री फायर दुनिया का सबसे पॉपुलर गेमों में से एक है। इस गेम को ऐसे तैयार किया गया है कि इंडियंस को प्रीमियर बैटल का अनुभव मिल सके। ग्रेना का यह पहला सेल्फ मेड गेम है जो प्लेयर्स की जरूरतों को पूरा करता है जो सोशल बैटल रॉयल गेम खेलना पसंद करते हैं। इसे स्मार्टफोन को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। इसका कार्टूनिस्टिक ग्राफिकल इंटरफेस के कारण बच्चे इस गेम को काफी पसंद करते हैं। ग्रेना की फ्री फायर एक्शन एडवेंचर बैटल रॉयल गेम है जिसे 111 स्टूडियो द्वारा विकसित किया गया है और ग्रेना द्वारा लॉन्च किया गया है। इस मोबाइल गेम के 500 मिलियन से भी ज्यादा यूजर हैं। इस गेम में 50 प्लेयर बैटल ग्राउंड में उतरते हैं और एक दूसरे को मारते हैं। जो एक खिलाड़ी लास्ट में बचता है उसे बुआ दिया जाता है। इस गेम के कुछ दिन बाद आया विश्व का सबसे पॉपुलर गेम पबजी। फिर अचानक से एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई, मारो मुझे, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। फिर अचानक से ऑनलाइन गेम्स में क्रांति आ गई। तो चलिए फ्रेंड्स, पबजी के कुछ अनोखे फैक्ट्स जान लेते हैं। नंबर 1, इस गेम को कोरियन वीडियो बनाने वाली कंपनी ब्लू होल ने ब्रैंडन ग्रीन नाम के व्यक्ति के साथ मिलकर बनाया है। यह गेम पहले पीसी के लिए बनाया गया था लेकिन कुछ ही समय के बाद इसे स्मार्टफोन के लिए भी डेवलप किया गया। नंबर 2, पबजी का पूरा नाम प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड है जिसे काफ़ी सोच समझकर रखा गया है, क्योंकि इस गेम में अनजान प्लेयर होते हैं जो एक दूसरे को ख़त्म करने के लिए बैटल ग्राउंड दैट मीन्स युद्ध भूमि में उतरते हैं। नंबर 3, आज के समय में लगभग सभी गेम्स किसी जगह या मूवी आदि से प्रेरित होकर बनाया जाता है। पबजी को भी बैटल रॉयल नाम के एक जापानी मूवी से प्रेरित होकर बनाया गया है। इस मूवी पर एक आइलैंड में बहुत सारे स्टूडेंट को खाना और हथियार के साथ उतारा जाता है। ये स्टूडेंट एक दूसरे को ख़त्म करते हैं और अंत में एक ही स्टूडेंट बच पाता है। नंबर 4, अगर आप यह गेम खेलते हैं तो आपको पता होगा कि इसमें ब्लू जोन का फीचर होता है और सभी प्लेयर को सर्कल के अंदर रहना पड़ता है। जब इस गेम को बनाया जा रहा था तब ब्लू जोन को चौकोर रखा गया था लेकिन इसके कोडिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स के कारण इसे गोल बना दिया गया। नंबर 5, पबजी का बैटल ग्राउंड पुचिंकी तो आप सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रशिया में एक रियल पुचिंकी है और वहीं से इसके बैटल ग्राउंड का ग्राफिकल मैप तैयार किया गया था। आइए इसके ग्राफिक्स में एक नज़र डालते हैं। नंबर 6, इस गेम को डेवलप करने वाली टीम की संख्या बढ़ती जा रही है। शुरुआत में इस गेम की टीम में लगभग 30 लोग थे, वहीं इस गेम को अब 150 से भी ज़्यादा लोग डेवलप कर रहे हैं। नंबर 7, इस गेम की करंट इनकम के बारे में अभी तक कोई डाटा रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन फरवरी 2018 में इस गेम की एक महीने की कमाई लगभग 103 मिलियन था, मतलब 721 करोड़ से अधिक। नंबर 1, पबजी जीतने के बाद विनर विनर चिकन डिनर का इनाम मिलता है। अगर आप नहीं जानते कि विनर विनर चिकन डिनर का आइडिया कहां से आया तो अब जान लीजिए। दरअसल पुराने समय में लोग जुए से पैसे जीतने के बाद उस पैसे से चिकन डिनर करते थे,
इसलिए इस गेम में भी यही फार्मूला अपनाया गया। नंबर 9, पबजी गेम कुछ ही समय में काफ़ी पॉपुलर हुआ है। ऐसे में इस गेम में कई सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं और कई सारे बड़े रिकॉर्ड भी बनाए हैं, तो चलिए एक नज़र इसके रिकॉर्ड में डाल लेते हैं। एंड्रॉयड के टॉप प्रोसेसिंग गेम में पबजी पहले स्थान पर है। यह एकमात्र ऐसा गेम है जहां एक साथ सबसे ज़्यादा लोग खेल सकते हैं। इस गेम के पास 1.34 मिलियन लोगों का एक साथ खेलने का रिकॉर्ड है। इस गेम को रोजाना 10 मिलियन से ज़्यादा लोग खेलते हैं। इस गेम ने केवल 4 महीने में 100 मिलियन प्लेयर का आंकड़ा पार कर लिया था। इस गेम को कई सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं, जैसे बेस्ट पीसी गेम ऑफ द ईयर, मल्टीप्लेयर अवार्ड, एक्शन गेम ऑफ द ईयर। कंपैरिजन, पबजी गेम हमेशा से ही रॉयल बैटल में सबसे आगे रहा है। इसका मेन कारण इसका रियलिस्टिक ग्राफिक्स है, जो प्लेयर्स को रियल गेम का अनुभव कराता है। और दूसरी ओर पबजी को टक्कर दे रहा फ्री फायर गेम है, जो पबजी से भी पहले आया था। ये दोनों गेम काफ़ी समय से एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं, तो चलिए करते हैं दोनों गेमों में कंपैरिजन। ग्राफिक्स, फ्रेंड्स पबजी का ग्राफिक्स रियलिस्टिक है, वहीं फ्री फायर का ग्राफिक्स कार्टूनिस्टिक है, इसलिए फ्री फायर बच्चे अधिक खेलते हैं, जबकि पबजी बड़े और टीनेजर्स के लोग ज़्यादा खेलते हैं। ग्राफिक्स के मामले में पबजी फ्री फायर से काफ़ी आगे निकल जाता है। स्पेस के मामले में पबजी फ्री फायर से 2 से 3 गुना अधिक स्पेस लेता है। पबजी चलाने के लिए आपके पास अच्छे से अच्छा स्मार्टफोन की ज़रूरत होता है, जिसमें लगभग 3GB से अधिक रैम वाली स्मार्टफोन की ज़रूरत होती है। वहीं फ्री फायर छोटी और सस्ती स्मार्टफोन में भी अच्छी चल जाती है। स्पेस के मामले में फ्री फायर पबजी से बेहतर है। फ्रेंड्स, इतने सारे फैक्ट्स और कंपैरिजन देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा गेम ज़्यादा बेहतर है, लेकिन सबसे ज़्यादा डाउनलोड के मामले में यह रिकॉर्ड फ्री फायर के नाम जाता है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको यह कंपैरिजन? अगर आप पबजी पसंद करते हैं तो वीडियो लाइक करें, अगर आप फ्री फायर खेलना पसंद करते हैं तो कमेंट करें। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए